हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। एरर्स मैं बता रहा था 100 गोल्डन रूल्स, जो आपका 80% तक आपको परफेक्ट बना देंगे एरर्स को रिमूव करने के लिए। प्रैक्टिस तो मैटर करती ही है। 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिस नहीं देखी ज़रूर देखेगा, ये तो आपको करने ही करने हैं। तो शुरू करते हैं 31st सेंटेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि आपका पास्ट में चल रहा था और अभी भी जिस टाइम पे हम जिस मोमेंट पे बात कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। सो ऐसे सेंटेंस के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। इट इज़ यूज्ड विद एडवर्बियल्स। जनरली ऐसे सेंटेंस जो है वो सिंस, फॉर या हाउ लॉन्ग जो है वो इनमें सेंटेंसेस में रहता ही है। जैसे कि हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। तुम पास्ट में भी उस ऑफिस में काम कर रहे थे, तुम प्रेजेंट में भी उस ऑफिस में काम करते हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड स्पीक लाइक दिस। दिस इज़ द एग्जैक्ट करेक्ट सेंटेंस। अ वर्ब एंड प्रिसीडेड बाय अ प्रेपोजिशन। कह रहे हैं कोई प्रेपोजिशन के बाद अगर इमीडिएटली एक वर्ब आ जाए, क्रिया आ जाए, तो आपको जिरंड फॉर्म लेना है। जैसे कि दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, फॉर कीपिंग, ठीक है, फॉर डूइंग। द फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस मीन्स सिंपल फ्यूचर, इज नॉट यूज्ड इन द क्लोज ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। कभी भी आपके पास कोई प्लेस का रेफरेंस दिया जाए, टाइम का क्लोज दिया जाए, या फिर कोई कंडीशन दी जाए आपको, तो आपको सिंपल ये यूज़ करना है, आपको प्रेजेंट यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, तो देखिए जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं करते मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। मतलब एक कंडीशन लगा दी, जब तक तुम काम कंप्लीट नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। देर इज़ अ कंडीशन एंड आफ्टर कंडीशनल सेंटेंस यू नेवर यूज़ फ्यूचर क्लोज। सो इट्स करेक्ट फॉर्म इज टिल यू फिनिश योर वर्क। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉट यूज विद एडवर्ब्स ओ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे 1990s। तो यहाँ पे सिंपल आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। आई हैव बोट अ साइकिल यस्टरडे। नो, यू हैव नॉट यूज लाइक दिस यस्टरडे और इन 1990s, इन समथिंग लाइक द डेट विच हैव ऑलरेडी पास्ड अवे। सो इन दैट टाइप ऑफ यू नो references that denotes the adverbs of past time. So here you have to use you know simple past tense, not present perfect tense. I have bought a cycle yesterday. No, this is a wrong sentence. This is the wrong sentence and the correct sentence is I bought a cycle yesterday. Simple. I have bought a cycle. This sentence is completely correct. I have bought a cycle. मैंने साइकिल जो है वो खरीद चुका हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आप यस्टरडे लगा दोगे तो फिर यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यूज किया जाता है रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन। कोई भी दो पास्ट एक्शन हुए हो उसमें जो पहला होता है वहाँ पे आपको ये यूज़ करना होता है, मीन्स द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। जैसे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी, मतलब जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, मीन्स जो ट्रेन है वो तो पहले से ही जा चुकी थी आपके पहुँचने से पहले ही। मतलब ये वाला जो एक्शन है, ये वाला एक्शन पहले हो चुका है, ट्रेन जा चुकी है, उसके बाद आप आ रहे हो, तो जो सबसे पहले हुई होगी वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो उसके लिए यहाँ पे लगा दिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि कंडीशनल सेंटेंस के बाद कभी भी आप फ्यूचर क्लोज यूज़ नहीं करोगे। एक मैंने बताया था यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड से पहले और एंड से बाद में आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, प्रोवाइडेड अगर दोनों कंडीशंस अलग अलग हों। ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन सेम हो। अगर दोनों कंडीशंस ही अलग हो जाती हैं, जैसे एक एंड से पहले वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और एक एंड से जैसे मैं खाना खाऊंगा फिर वहाँ जाऊंगा, तो आपको पैरेललिज्म यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज़ करो एक कोई स्टोरी है वो प्रेजेंट में चली आ रही है, या फिर कोई आपका
आप पास्ट में चला रहा है, तो उस सीक्वेंस के लिए आप एंड से पहले और एंड के बाद में आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एंड से पहले अगर आपकी जिरंड फॉर्म है, एंड से पहले आपकी एडवर्ब है, तो यहाँ पे भी एडवर्ब आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जिरंड फॉर्म है, यहाँ पे भी जिरंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल। उसके बाद 35th देखिएगा, 35th में क्या कह रहा है ये, मॉडल ऑक्जुलरीज आर नॉट यूज टुगेदर बट द टू ऑक्जुलरीज कैन बी कनेक्टेड बाई अ कंजंक्शन। मॉडल ऑक्जुलरी को कभी भी आप एक साथ यूज़ नहीं करते हो, लेकिन दो ऑक्जुलरी हैं उनको एक कंजंक्शन के द्वारा आप जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनकोरेक्ट सेंटेंस, ही शुड मस्ट डू इट, ये तो पता ही होगा, ही शुड एंड मस्ट डू इट, इकट्ठा यूज़ नहीं करना। वेन नीड और डेयर इज़ फॉलोड बाई नोट, जब भी नीड के बाद और डेयर के बाद आपका नोट आ जाए, तो इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्जुलरी। इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव एंड वी कैन नॉट यूज़ नीड्स नोट और डेयर्स नोट। तो जैसे कि ही नीड्स नोट डू इट, तो ही नीड नोट डू इट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। वन नीड और डेयर इज़ फॉलोड बाय नोट, तो ये एक मॉडल ऑक्जुलरी आपका बन जाता है। इन दिस सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव, ये आपका बेयर इन्फिनिटिव जो है वो बन जाता है। एंड वी कैनॉट यूज़ नीड्स नोट और डेयर्स नोट, सो ही नीड नोट डू इट। और यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, ही नीड नॉट टू डू इट, ऐसा नहीं लिखना है, टू नहीं लगाना, सिर्फ आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना है जिसमें टू यूज़ नहीं करना होता। आगे एडजेक्टिव से रिलेटेड है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मिंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम मच लिटिल एनफ ऑल नो एनी ग्रेट हाफ सफिशेंट होल आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउंस ओनली। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, आई एट अ फ्यू राइस, तो आई एट सम राइस, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ द थिंग इज मिंट, किसी भी क्वांटिटी की एडजेक्टिव जो होती है वो ये दर्शाती है कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मिंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे कि सम मच लिटिल एनफ, तो ये सारी यूज़ होती हैं आपकी अनकाउंटेबल्स। हेयर राइस, राइस इज अनकाउंटेबल, राइस आप गिन नहीं सकते, जैसे हेयर हो गए सिर के, तो वो अनकाउंटेबल में आपके काउंट होते हैं। तो ऐसे अनकाउंटेबल्स के लिए आप फ्यू यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हो सम। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, सम हो गया, मच हो गया, लिटल, एनफ, आल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशेंट, होल, ये कुछ चीज़ें हैं। 38 देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली, कुछ ऐसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं। एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड्स। फॉर एग्जांपल, आई हैव टोट यू लिटिल थिंग्स, ठीक है, आई हैव टोट यू, मैंने तुम्हें कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। अब कुछ चीज़ें बताई होंगी, हो सकता है 3 से 4 चीज़ें बता दी होंगी, 5 से 6 चीज़ें बता दी होंगी, तो जो चीज़ें मतलब याद रहेंगी विच इज़ काउंटेबल, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, वो अनकाउंटेबल की तरह जो रूल फॉलो होता था जिसमें आप लिटल जो है वो उसके लिए लगाते थे अनकाउंटेबल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, आई हैव टोल्ड यू अ फ्यू थिंग्स, फ्यू लगाना पड़ेगा आपको, ये सिर्फ काउंटेबल्स नाउन के लिए यूज़ होती हैं, कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। 39 तो सभी को पता होगा, कार्डिनल ऑर्डिनल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि द फर्स्ट 4 बॉयज़ शुड बी यूज्ड, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, ऑर्डिनल प्रिसीड द कार्डिनल, तो ये कुछ रूल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होगा। लास्ट देखिए 40, लेटर लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लेटर एंड लास्ट रेफर्स टू पोजिशन, इनकोरेक्ट, आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर,
क्योंकि लेटर मतलब बाद में, वो टाइम के रेफरेंस को शो कर रहा है, और लेटर होता है बाद वाला, लास्ट लास्ट एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, सो दिस इज़ अ एग्जैक्ट सेंटेंस। लेटेस्ट का मतलब जो होता है वो एकदम नया, तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है, और लेटेस्ट का मतलब एक टाइम के रेफरेंस को भी, मतलब अभी अभी लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल, सो वो टाइम का रेफरेंस है, लेटर बाद में। उसके बाद 41 से 50 मैं फिर करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।